अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अजीम, ऑटो पॉइंट में खुश आमदीद। आज बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पे हम वीडियो बना रहे हैं। आज हम इसका दोनों का चेक करेंगे रिज़ल्ट, के दोनों का कौन सा रिज़ल्ट किसका बेहतर है इसके दोनों में से। ये है क्वाड लेंस के साथ और ये है थ्री लेंस के साथ। इन दोनों की हमने अनबॉक्सिंग की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ऊपर मैं लिंक दे देता हूँ दोनों का, आप चेक कर सकते हैं जाकर। मज़ीद मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किन किन बॉक्स के अंदर आ रही है। क्वाड लेंस वाली है वो आपको इसकी पैकिंग में मिलेगी HJG के अंदर। इसमें मुकम्मल आपको फ़िटिंग मिलती है, दो लाइट्स मिलती हैं और इसके अंदर आपको ये इसके एक्स्ट्रा फिटिंग मिलती है। तो इसकी जो प्राइस है ये 8000 रुपये का सेट है। तो ये थ्री लेंस वाली जो इस पैकिंग में आ रही है, ये सेट में आ रही है, इसके साथ एक्स्ट्रा फिटिंग कोई नहीं है। इसकी जो प्राइस है इस वक्त 7000 रुपये का पेयर चल रही है HJG कंपनी की। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे आज के, इन दोनों में से लाइट कौन सी बेस्ट है और ये लाइट जो है किसके लिए बेहतर है और ये लाइट किसके लिए बेहतर है। मतलब कि हर किसी की अपनी एक रेंज होती है कि लाइट किसी को दूर चाहिए, किसी को नज़दीक चाहिए, किसी को वाइड एंगल में चाहिए। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको इस वीडियो में मुकम्मल दिखाएंगे इसका डेमो करके। एंड तक वीडियो देखिएगा, मुकम्मल इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देंगे इसके अंदर। और जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे रिव्यू, आपको उसका कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी बेहतर है इसमें। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी सिंगल लाइट से। सिंगल सिंगल आपको हम दोनों का रिव्यू करेंगे। पहले मैं आपको क्वाड लेंस वाली लाइट चेक करवाता हूँ कि इसकी लाइट कैसी है, सिंगल रोड पर डेमो उसका कैसा लगेगा। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लो पॉइंट है और लो पॉइंट पे काफ़ी बहुत अच्छी लाइट है, काफ़ी अच्छी लाइट नहीं, बहुत अच्छी लाइट है इसकी। और ये आप देखें ओवल शेप में इसका साइज़ बन रहा है लाइट का और तकरीबन पूरे रोड के ऊपर आपको कवर नज़र आ रही है लाइट इस वक्त। तो यहाँ पर नीचे देखें ओवल शेप में आपको इसकी लाइट नज़र आ रही है। इसके बाद मैं आपको चेक करवाता हूँ इसका हाई पॉइंट जो है वाइट लाइट। तो वाइट लाइट आपकी इस तरह काम करेगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट लाइट की लाइट भी काफ़ी बेहतर लाइट आपको नज़र आ रही है यहाँ पे और तेज़ लाइट है काफ़ी फ्रंट पे। आपको कम से 100 मीटर में बेहतरीन लाइट आपको यानी कि नज़र आती है बेहतरीन ज़बरदस्त फोकस के साथ। तो इसमें अगर हम आपको दोनों इकट्ठे अगर चलाते हैं, येलो और वाइट दोनों अगर आपको इकट्ठे पॉइंट चलाने पड़ जाते हैं तो दोनों भी आप इकट्ठे चला सकते हो और हाई और लो डिपर भी नहीं कर सकते हो आप। तो आइए आप देखें, अगर आपके लो पॉइंट चल रहा है और आप डिपर मारना चाह रहे हैं तो फ्लैश मारना चाह रहे हैं अगले ड्राइवर को या कोई रास्ता लेने के लिए, तो फिर आप ये इस तरह कर सकते हैं, डिपर लगा सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ट्रिपल लेंस वाली लाइट दिखाता हूँ, बहुत ज़बरदस्त लाइट है ये भी, काफ़ी अच्छी लाइट है और छोटे साइज़ में है, कंपैटिबल साइज़ है ये भी, आपकी ग्रिल वगैरह में भी लग जाती है गाड़ियों के अंदर, बहुत अच्छी फोकस के साथ आपको लाइट स्क्रीन मिलती है। तो ये साइज़ मैं थोड़ा सा ऊंचा करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि फोकस बन जाए। वैसे अगर आप नीचा करेंगे जितनी ज़्यादा लाइट नीचे नज़र आएगी ये उतनी ही ज़्यादा रोड के ऊपर ज़्यादा बिछके नज़र आएगी लाइट आपको, हाई और लो दोनों। ये भी इकट्ठा आप एक साथ चला सकते हो और बेहतरीन इसका भी रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं अब इसके बाद आपको मैं दोनों की लाइटें एक बैक वक्त चला कर दिखाता हूँ कि दोनों की लाइट में कितना डिफरेंस आएगा इसका। तो ये आप देखें यहाँ पर मैं आपको रोड के ऊपर चेक करवा रहा हूँ, दोनों वाइट लाइट चल रही हैं और दोनों का अपना रेक्टेंगल में और एक ओवल शेप में आपको दोनों साइज मिल रहा है। तो ये आप दोनों साइडों पे आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसका। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता, सिर्फ थोड़ा शेप में फ़र्क आता है इसका और थोड़ा 19-20 का फ़र्क आप कह सकते हैं इसके अंदर। लाइट दोनों की बहुत अच्छी है, बाकी ये है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है दोनों का, आप दोनों को लगा सकते हैं जो भी आपको कंपेटेबल साइज में लगे। तो ये मैं रोड के ऊपर आपको येलो पॉइंट भी चेक करवा रहा हूँ, ये भी आप देखें इसका भी लाइट आपको दोनों तकरीबन सेम लाइट नज़र आ रही है। जो ज़्यादा थोड़ी सी करीब होती है उसमें शाइन ज़्यादा नज़र आती है, तो इसलिए मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ दोनों को ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि ये दोनों की लाइटें कोई बराबर लाइटें हैं। अब मैं मेन रोड पर भी आपको चेक करवा देता हूँ, तो मेन रोड पर भी आप चेक करें तो यहाँ पर आपको देखें दोनों की लाइटें कैसी हैं। ये मैं ऊपर नीचे आपको दोनों की लाइट चेक करवाता हूँ कि इसकी लाइट में आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि दूर तक कौन सी लाइट काम अच्छी करती है। तो ये देखें जी दोनों लाइटें आपके सामने ही हैं, आप इसको अंदाजा कर सकते हैं खूब। तो मेरे ख्याल से दोनों की लाइटें दोनों अच्छी हैं, बस पसंद अपनी अपनी है, जिसको जो पसंद हो वो ले सकता है ये चीज़। तो ये वाइट भी आप चेक कर सकते हो दोस्तों, दोनों वाइटों की लाइट कितनी ज़बरदस्त है, सामने आप वाइट का भी फोकस चेक कर सकते हो। तो काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त लाइट आपको मिलती हैं ये। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लाइटों का डेमो जो पसंद आया होगा, अगर इसमें कुछ कमी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने एडवाइस दे सकते हैं, इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहते हैं कि अपनी कमी को खामियों को दूर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह निगेबान, अपने दुआ में याद रखिएगा, अपने फीडबैक हमें ज़रूर देते रहिएगा।